क्वेश्चन नाइन देखिए साहब. ओके, इन द ट्रायंगल एबीसी बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी. मैं आपको हर क्वेश्चन में बार बार कहता हूं, प्लीज क्वेश्चन को एक बार मत पढ़िए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए. आपको कोई आपसे कोई पेपर वापस नहीं ले लेंगे कि बेटा बैठे बैठे क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हो. दो तीन बार पढ़िए, समझिए, खासकर मैथ्स का पेपर. इन द ट्रायंगल एबीसी बीडी बाइसेक्ट्स एंगल बी. अब बीडी बाइसेक्ट्स एंगल, ये जो बीडी है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बी को. बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल हो गया. नहीं समझ में आया साहब आपको? समझा? हाँ सर. एक टर्म लिख लीजिए, पहले हमारी डिस्कस नहीं हुआ, छोटी क्लासेस में बताई होगी, बट एक बार लिख लीजिए. बीडी जो है इस केस में बोला जाएगा एंगल बाइसेक्टर. एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट का मतलब दो भागों में, दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहा है. बाई का मतलब टू, जैसे आप लिखते हो ना बाइसिकल, तो बाइसिकल मतलब दो टायर वाला, बाई मतलब टू. एंड इज परपेंडिकुलर टू एसी. अब ये जो है ये एसी के परपेंडिकुलर भी हो गया. अब उसने, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, इस एक लाइन में उसने आपको इतनी इंफॉर्मेशन दे दी है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दी है. नहीं समझ रहा आपको? शायद लग रहा हो कि हाँ. सैम बोलिए, सैम आप कुछ बोल रहे हैं? अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं अभी क्वेश्चन में आगे नहीं जा रहा, बट मैं आपको ये बताता हूँ कि एक लाइन में उसने कितनी इन्फॉर्मेशन दे दी है आपको. और इसीलिए कह रहा हूँ कि ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए. अब देखिए, अगर मैं दो ट्राइंगल ले लूँ ना, ट्राइंगल बी ए डी और ट्राइंगल बी डी सी, अब देखिए क्या होगा. ये जो एंगल है वो इसके बराबर है, ये जो एंगल है वो इसके बराबर है, दोनों 90 डिग्री हैं, और ये जो साइड है BD ये कॉमन, तो इसलिए ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो गए. सिमोन जी कौन सा रूल लगाया मैंने? सिमोन जी कौन सा रूल लगाया? सैम जी कौन सा रूल लगाया मैंने? ठीक है, बहुत बढ़िया. देखिए स्लो मोशन में देखिए, स्लो मोशन में देखिए. ऐसे मुझे बताया कि ये एंगल इसके बराबर और ये जो एंगल है वो इसके बराबर है. बेटा बात समझ में? अब अगर मैं दो ट्रायंगल लेता हूं, अब मैं इसका कुछ भी नाम लिख लाऊं, आप चिंता मत कीजिए. अब मैं अगर दो ट्रायंगल ले लूं ए बी डी और ए डी सी, अगर दो ट्रायंगल ले लो, बात समझिए बेटा, ये जो एंगल है वो इसके बराबर है. काहे गिवन, ये जो एंगल है इसके बराबर है, काहे गिवन, और साइड एडी जो है वो एडी के बराबर है, काहे कॉमन. नहीं समझ में आया? कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब भाई ये होता है कि अगर ये दो ट्रायंगल ले रहे हो और दो ट्रायंगल को सेपरेट कर देते हो, ए बी डी और ए डी सी, तो भाई आपका जो फ्लैट है और बाजू का जो फ्लैट है उनकी जो कॉमन दीवार है वो तो इक्वल ही होगी ना. अरे भाई नहीं समझ में आया? मैं 604 में रहता हूँ, आपकी सहेली 603 में रहती है. आप उसके घर में जाके ये दीवार जो कॉमन दीवार है ये मेजर करेंगे, और मेरी तरफ से अगर ये कॉमन दीवार मेजर करेंगे तो इक्वल होंगे ना बेटा, कॉमन. नहीं समझ में आया? समझा ना? अरे जहां रहते हो, मैं रहता हूँ 604 में और सुखी जी की सहेली रहती है 603 में, ये है कॉमन दीवार. तो इसकी लेंथ अगर मैं यहां से मेजर करूं या इनकी फ्रेंड मेजर करेगी तो हाइट ऑफ द वॉल वुड बी द सेम, उसमें कोई डिफरेंस थोड़ी होगा. नहीं समझ में आया? सैम जी आपको समझ आ रहा? हाँ सर. तो अब इस पे रूल जो लगेगा वो कैसा लगेगा? ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, तो ए एस ए लगा के ये जो ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो गए. नहीं समझ में आया? बस अब तो कैंडी क्रश वोइंग 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 बोनस पॉइंट्स मिलने शुरू हो गया आपको. अगर आप देख रहे हैं इसके अपोजिट साइड ये, इसके अपोजिट साइड ये इक्वल होगी, इसके अपोजिट साइड ये, इसके अपोजिट साइड ये इक्वल होगी, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो गया. कैंडी क्रश में सारे के सारे बोनस पॉइंट्स मिल गए आपको. नहीं समझ में आया? सीटी सीटी समझिए. नहीं समझ में आया? बोलिए.
शिवम जी बोलिए, शिवम जी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। श्रेया जी आप क्यों नहीं आए क्लास अटेंड करने? आज तो बारिश भी नहीं हो रही। तो मुझे जुकाम है। ओहो, जुकाम तो बेटा चलेगा अभी 2-3 साल। नाइस। तो अब जो कैंडी क्रश से हमें क्या क्या मिल गया कि ये जो साइड है ये इसके बराबर है और ये जो साइड है ये इसके बराबर है। आपको नहीं समझ आया पक्का? सैम जी आपको कोई डाउट यहां तक? नहीं अब देखिए, इसके बाद डिपेंड करता है कि आपने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस स्कूल में की है या नहीं की है। अगर आपने की है तो ठीक है, नहीं की तो परेशानी नहीं है, जब हम करेंगे आपको समझ आ जाएगा। बट मैं एटलीस्ट तो ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर आपने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन स्कूल में नहीं की तो ये वाला क्वेश्चन आपके स्कूल में अभी नहीं आएगा। सैम आपको बात समझ आई? क्योंकि सर। इसमें ना ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व करने के लिए एक चैप्टर आपको करना पड़ता है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो ये पहली इक्वेशन बन गई और ये दूसरी इक्वेशन बन गई। सुखी जी आपको समझ आया जो मैंने किया? जी 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 देखिए, ये 3x+1, ये 5y-2, ये इक्वल हो गया। तो 3x, ये वाला 1, सॉरी ये वाला -2 जो है, जब वो लेफ्ट साइड पे आया तो +3 हो गया और ये 5y आ गया। तो इक्वेशन 1 तो आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ में आया? अब इक्वेशन 2 को देख लीजिए, ध्यान से देखिए जरा। x+1 y+2 के इक्वल है, तो x+1 y+2 के इक्वल है। तो x तो बेटा यहीं बैठा है, 1 जंप मार के राइट हैंड साइड पे चला गया, जब गया तो माइनस हो गया और ये पर वाई आ गया। नहीं समझ में आया? ये इक्वेशन 2 होगी। नहीं समझ में आया? सैम जी को डाउट? सैम जी को डाउट? हाँ, सर। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद आपको ही समझ आएगा। आपको मैं थोड़ा 2 मिनट लगा के, थोड़ा सा दिमाग रखिए, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए, सेकेंड इक्वेशन से बाकी इसको इग्नोर कर सकता है, बाकी इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आपने शायद स्कूल में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन शायद नहीं की होगी। की है, डबल इक्वेशन जो होती है उसको सॉल्व करना बताया है क्या? नहीं बताया। ओ चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। अब साहब देखिए करते क्या है, इक्वेशन 2 से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली और क्या किया, इक्वेशन 1 में डाल दी। सैम आपको समझ आया? अच्छा बाकियों को अगर नहीं समझ आ रहा तो प्लीज इग्नोर कर दीजिए, जब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन करेंगे तो समझ आ जाएगा। सैम आपको समझ आया मैंने क्या किया? हाँ वो 3 आपने उसको 3 बार वो समझ आया, बट कैसे आया बेटा, उसको ब्रैकेट खोली है आपने, जैसे हम एक्सपेंशंस और फिर, उसके पहले सर 3 बार 3 ब्रैकेट 1 ये देखो, वाई यहां पर एक्स जो है ना, ये जो 3x+3 है, ये जो x है, इसमें सेकेंड इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू डाल दी। x की वैल्यू क्या थी? y+1। वो y+1 मैंने यहाँ फिक्स कर दिया। बेटा समझ में आया? सर। ये देखिए, यहाँ पर एक x लिखा हुआ है, मैंने दूसरी इक्वेशन से क्या किया, ये जो x की वैल्यू है y+1, वो y+1 को यहाँ फिट कर दिया। ये देखिए, उसके बाद तो मैंने सिर्फ ब्रैकेट खोली है। सैम जी समझ आया? तो हाँ सर, समझ आ गया। y की वैल्यू बेटा 3 आ गई, और जिनको नहीं समझ आया उनको एक्सपेंशन करेंगे तो वो चैप्टर करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो y जो है वो 3 के इक्वल हो गया, यहाँ y 3 के इक्वल है, तो x बेटा किसके इक्वल हो गया? 3+1 4। नहीं समझ में आया? सैम आपको समझ आया? हाँ सर। बट ये क्वेश्चन अगर आपने साइमल्टेनियस नहीं किया तो आपको नहीं आएगा क्वेश्चन, बट आने को थोड़ा अलग तरह आ सकता है, थोड़ा वो इजी करके आपको बोल सकता है। जैसे यही क्वेश्चन वो ऐसे करके आपको बना के बता सकता है, 3x+1 है और इसको बोल देगा ये है 3x-2। अब समझ आया? अब आपको बोलेगा एक्स की वैल्यू निकाल दो, 3x-2 नहीं लिखता। एक सेकंड बेटा, पहले मैं इसको ठीक कर दूं। ऐसे बोल देगा आपको कि ये इक्वेशन 3x+1 है और ये इक्वेशन 5x-2 है। अब जैसे अगर उसने क्वेश्चन ये बनाया तो आपने तो प्रूव कर दिया आइसोसेलेस है,
तो आप क्या बोलोगे, 3x+1 इज इक्वल टू 5x-2। तो 3x यहाँ पर आ गया, 2x ये यहाँ चला गया, 3, तो x जो है वो किसके इक्वल हो गया, 3/2 के। ऐसा क्वेश्चन वो बना के आपको दे सकता है, बात समझ में आ गई। और यहाँ वो आपको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऐसे बोल। कोई डाउट? ऐसा भी कर सकता है कि इसको यहाँ y कर दे और यहाँ लिख दे 2y-7, ऐसे बोल सकता है। तो अगर ऐसा लिखेगा तो आपको लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू 2y-7, तो y जो है वो किसके इक्वल हो गया, 7। ऐसे करके आपको क्वेश्चन बना सकता है। सैम जी आपको समझ आ गया? ओके बहुत बढ़िया, धन्यवाद।